आउट ऑफ द बॉक्स में अब करते हैं OnePlus 12 R का रिव्यू। अरे आयाज भाई, आयाज भाई, क्या हुआ? रिव्यू बाद में करना प्लीज। मेरा एक दोस्त है, उसका फोन चोरी हो गया कल। फोन चोरी हो गया? हाँ, तो अब उसने वो पैटर्न लगा रखा है यू गंदा सा। वो तो खुल जाएगा आराम से। हाँ, तो मतलब कोई तरीका नहीं है कि फोन बंद हो तो सिम पे कोई लॉक हो जाए, कुछ प्रोटेक्शन आ जाए, क्योंकि ओटीपी तो सारे उसके चले जाएंगे। नहीं, अब उसके साथ तो नहीं हो सकता, अब उसका फोन खो गया, अब वो सिम लॉक नहीं लगा सकता। लेकिन अगर कभी तेरे साथ ऐसा हो तो उससे बचने के लिए क्या करियो, अपने फोन में सिम लॉक लगा लियो पहले ही। कैसे लगेगा मैं बता रहा हूँ। वैसे तो हम सब अपने फोन्स में ना लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन हमारा सिम लॉक नहीं होता। आपका सिम यूज करके चोर आपके बैंक अकाउंट, गूगल पे, फोन पे जैसे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, कॉज आपके पासवर्ड रीसेट मैसेज एंड सारे ओटीपी ना आपके सिम पे आते हैं। उनके जरिए वो आपके सारे जो बैंक अकाउंट्स है ना, जितने भी आपके पास है, वो सब खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेगा। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको सिम लॉक ऑन कर लेना है अपने फोन पे। इसके लिए सेटिंग्स में आपको जाना है और सर्च बार में ना सिम लॉक टाइप करना है बस। फिर सिम लॉक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड लॉक सिम को ऐसे ऑन कर देना है एंड फिर आपको सिम पासवर्ड सेट कर देना है। अब अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो चोर सबसे पहले फोन ही ऑफ करता है ताकि कॉल्स ना आए, और अगर उसने आपका फोन एक बार भी ऑफ किया तो फिर ऑन करने पर वो सिम यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिम तो लॉक्ड है ना भाई, आपने लॉक कर दिया। मैंने ट्रिक आपको बता दी, आपने सुन ली। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं OnePlus 12 का रिव्यू। तारीफ तो बड़ी हुई है इस फोन की, लेकिन टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। ये OnePlus 12 का छोटा भाई OnePlus 12 R, इसे आप देखो ना, सामने से देखो, पीछे से देखो और साइड से भी देखो, दिखने में बिल्कुल OnePlus 11 R के जैसा ही है, विद नो नोटिसेबल डिफरेंस। OnePlus अब लगता है ना इस डिजाइन के साथ सेटल हो गया शायद। ये बड़ा सा सर्कुलर शेप का कैमरा मॉड्यूल टॉप लेफ्ट पे आपको दिखेगा, इसके अंदर ये चार होल्स हैं, तीन के अंदर कैमराज हैं, यहाँ पर ये फ्लैश लाइट है और एक फ्लैश लाइट ऊपर की साइड भी है एंड इट लुक्स गुड। इसमें दो कलर वेरियंट है, ये ब्लू वाला वेरियंट है एंड एक ग्रे वाला वेरियंट भी है जो ब्लैकिश था। ब्लैकिश था क्या, पूरा ब्लैक ही है, दे कॉल इट ग्रे, आई जस्ट डोंट नो व्हाई। इसमें ग्लॉसी फिनिश है, ग्रे वाले में फ्रॉस्टेड मेटल फिनिश इन्होंने दी है 12 आर में। वैसे इस बार मेटल फ्रेम OnePlus ने दिया, 11 आर में प्लास्टिक फ्रेम था, गुड एडिशन। बाकी लर स्लाइडर इन्होंने गायब कर दिया, गायब नहीं किया यार, इधर था पहले राइट साइड पे, लेफ्ट पे डाल दिया इन्होंने इस बार, मतलब क्या कर रहे हो उधर से इधर, आई जस्ट डोंट नो। नेक्स्ट टाइम पता नहीं कहाँ लगाएंगे, विल हैव टू सी। एंड आयर ब्लास्टर OnePlus अब अपने फोन में देने ही लगा है, सो ये तो बढ़िया है। फोन हाथ में मस्त लगता है, बैक पर फिंगरप्रिंट्स वैसे छप जाते हैं, बट कलर इसका ना लाइट है तो इतने ज्यादा दिखते नहीं है। फोन का वेट है 207 ग्राम, सो नॉट अ वेरी लाइट वेट फोन आई वुड से, बट डिसेंट है, चलता है। OnePlus 12 R का जो डिस्प्ले साइज है वो 6.78 इंच का, एंड डिस्प्ले में इन्होंने कोई कंजूसी नहीं की है भाई इस बार, एक जगह की है वैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहां की है। तो 6.78 इंच का LTPO AMOLED पैनल यहां पे आपको मिल रहा है, बढ़िया डिस्प्ले है विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ अप टू 4500 निट्स एज क्लेम बाय OnePlus। कलर्स डिस्प्ले पे अच्छे आते हैं, आउटडोर्स में जब आप फोन को बाहर लेके जाओगे सनलाइट में यूज करोगे तो भी डिस्प्ले क्लियरली विजिबल रहती है। कर्व डिस्प्ले के साथ OnePlus गया है, मतलब कंटिन्यू किया है 12 एंड 12 आर में इस फोन में भी। आजकल वैसे कर्व जो डिस्प्ले का ट्रेंड है वो थोड़ा कम होते जा रहा है, फ्लैट डिस्प्ले की तरफ धीरे 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 लोग मूव कर रहे हैं, बट स्टिल सब्जेक्टिव है ये। ऑल्सो डिस्प्ले कर्व्ड है तो एजेस भी कर्व्ड है, नो फ्लैट एजेस है। रिफ्रेश रेट 120Hz है जो स्टैंडर्ड आजकल चल रहा है। इस बार LTPO पैनल OnePlus ने यहाँ पे यूज किया है तो ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, 1Hz से 120Hz तक वेरी करता है बेस्ड ऑन द कंटेंट यू यूजिंग, विद सेल्स बैटरी पावर। एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। कैमरा आप देखोगे ना तो OnePlus 12 R में इन्होंने 11 R वाले कैमरा दे दिया, देयर इज नो चेंज। एंड आई थिंक यार यहाँ पे इन्होंने कंजूसी की है, 11 R का कैमरा वैसे बुरा नहीं था, इनफैक्ट इट वाज गुड, सही फोटो उससे आते हैं, मैंने रिव्यू किया था उसका भी, बट थोड़ा यहाँ पे ना अपग्रेड तो बनता ही था भाई। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 सेंसर है, OIS आपको यहाँ पे मिल रहा है। डे लाइट में फोन अच्छे इमेजेस क्लिक करता है, इमेजेस में आपको अच्छे डिटेल्स मिलती है, कलर टोन भी नेचुरल रहती है काफी हद तक, एंड यू वोंट नोटिस एनी नॉइज जब आप प्रॉपर डे लाइट में फोटोज क्लिक कर रहे हो। एक्सपोजर लेवल्स को भी आप देखो, डायनेमिक रेंज भी कैमरा अच्छे से कैप्चर कर रहा है, सी फोटोज कितने सही से आ रहे हैं, कोई डिस्टॉर्शन आपको इन इमेजेस में नहीं दिखेगी। सो डे लाइट में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया, इट्स गुड। अल्ट्रा वाइड के लिए 8 मेगापिक्सल का लेंस,
सो आप इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, बट स्टिल मतलब फोटोज आर डिसेंट, बट कीप इन माइंड जस्ट 8 MP लेंस विच इज प्रीटी मिड रेंज टाइप. फिर 2 MP का मैक्रो लेंस यहाँ पे है, टेलीफोटो लेंस नहीं है, सो नो ऑप्टिकल जूम. 2x and 5x पर आप जा सकते हो, इमेज क्लिक कर सकते हो. 2x पर क्वालिटी इज फाइन एंड 5x पर ना नॉट दैट गुड. ओवरऑल OnePlus 12R की कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट है कंसिडरिंग के कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, बट इट वोंट डिसअपॉइंट यू. सेल्फी के लिए यहाँ पे मतलब ओल्ड 16 MP वाला सेंसर है, इसके भी ना वही हाल है, मतलब ठीक ठाक हाल है, सेल्फीज अच्छी आ जाती है. हम देखो वीडियोस में आप 12R से 4K 60fps शूट कर सकते हो, बट ओनली विद द प्राइमरी कैमरा. अल्ट्रा वाइड से एंड सेल्फी कैमरा से 1080p पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे. प्रोसेसर में देयर इज अपग्रेड. अगर आप फोन को ना खोलोगे तो आपको अंदर मिलेगा इसके स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, लेकिन अगर नहीं भी खोलोगे तो भी आपको 8 Gen 2 ही मिलेगा, सो मत खोलना. 8 Gen 2 लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट है, सो फोन की परफॉर्मेंस तो सुपर फास्ट होनी चाहिए, एंड ऐसा ही यहाँ पे है. फोन डिसअपॉइंट नहीं करता अपनी परफॉर्मेंस से. मैंने जितना इस फोन को यूज़ किया है 12R को, अराउंड 15 से 16 दिन, एक बार भी फोन लैग नहीं हुआ, कहीं अटका नहीं है, एकदम स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस मुझे इस फोन पे मिला है. हाई सेटिंग्स में आप इस पे गेम्स इजीली खेल सकते हो, आई प्लेड BGMI, HTML9, जेंशन इंपैक्ट एंड सभी गेम्स यहाँ पे फ्लॉलेसली चले. दो वेरिएंट में फोन आता है, 8GB 128GB एंड 16GB 256GB, एंड यहाँ पर ना इन्होंने बेस वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दी है, एंड टॉप वेरिएंट में UFS 4.0 आपको यहाँ पे मिलती है. सो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो ना, तो उसमें आपको ना टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में अपलोडिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. इनको बेस वेरिएंट में भी ना UFS 4.0 देना चाहिए था. ऑक्सीजन OS 14 आपको यहाँ पे मिल रहा है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, एंड अब ऑक्सीजन OS में एंड कलर OS में कुछ फर्क नहीं बचा एक्सेप्ट फॉर द नेम. OnePlus 3 साल की OS अपग्रेड यहाँ पे आपको प्रॉमिस कर रहा है, और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देगा इस फोन में. बैटरी यहाँ पे 5500 mAh की 11R में 5000 mAh की थी, विच मीन्स OnePlus फोन्स में अब तक की सबसे ज्यादा बैटरी आपको 12R में मिल रही है, 5500 mAh है, सो बैटरी बैकअप इज नॉट अ प्रॉब्लम. 100W की फास्ट चार्ज सपोर्ट है यहाँ पे, सो आधे घंटे में 100W मतलब 100W 100% तक फोन चार्ज हो जाता है. सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन. सो OnePlus 12R का 8GB 128GB वेरिएंट 40,000 का, एंड 16GB 256GB 46,000 का. लास्ट ईयर वाइज प्राइस इन्होंने ऑलमोस्ट रखे, एंड इस प्राइस पे आई वुड से इट्स अ डीसेंट डील. प्रोसेसर यहाँ पे बढ़िया 8 Gen 2, डिस्प्ले मस्त है, नो कॉम्प्रोमाइज है, बैटरी भी इस बार बढ़ी दी है इन्होंने. हाँ कैमरा को ना इनको यार थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था भाई, बट स्टिल अगर आपको एक क्लीन UI वाला फोन चाहिए, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, तो यू कैन स्टिल कंसीडर द OnePlus 12R. Z News.